हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। और आज नहा खा है, कल ही जूतिया। तो देखिए, सर वर धो के नहा लिए हैं। तो नहा खा है तो बिना नहाए मुंह में कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ और बजने वाला है 8। 5 मिनट बाकी है। प्रीति गई स्कूल और शिवा का तबीयत ख़राब है, बुखार, तो वो घर में ही है। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी पी रही हूँ, तो गर्म पानी पियेंगे। और आज जूतिया का नहा खा है तो प्रीति के पापा को बोली हूँ नोनी का साग लेके आने के लिए, और झिंगुनी जो बोलते हैं झींगा टाइप का होता है ना, छोटा छोटा, वो तो आज खाया जाता है। तो देखते हैं, आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा और आप सबके साथ शेयर करेंगे जो है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए प्रीति के पापा लेके आए हैं साग, और जूतिया का नहा खा में ये खाया जाता है नोनी का साग। तो ये वाला थोड़ा बड़ा वाला है, तो एक ठो होता है बहुत महीन पत्ता वाला, लेकिन यहाँ पर यही मिलता है तो यही लेके आए हैं। और महीन वाला अभी नहीं मिलता है, लेके आए हैं। और ये सब लेके आए हैं, देखिए साग, मूली का साग है और भी है, 3-4 तरह का साग लेके आए हैं बेटे के पापा। और एक छोटा सा लौकी लेके आए हैं, देखिए एकदम मतलब कोमल है। और ये है ये झिंगुनी का पत्ता, और ये तरोई भी बोलते हैं। और ये देखिए, और ये बाज़ार में सिर्फ 3 ही मिला है, नहीं मिलता है, मतलब इतना वो हो गया है अभी जूतिया में, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो 3 ही मिला है। तो 2 छुएंगे जो दान करते हैं उसमें, और एक खाएंगे बना के। और यहाँ पे लौकी, लौकी बहुत कोमल था तो देख के तुरंत मैंने इसे काट उट के लौकी की सब्ज़ी बना दी सुबह नाश्ते में, और बना दी गरम गरम रोटी, तो नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद मैं बाद में बनाऊंगी जो खाना होगा जूतिया में, नहा खा का जो खाना होता है वो। और इसमें खाया जाता है मड़वा का रोटी, तो थोड़ा सा लेके आए हैं आटा, तो एक छोटा सा रोटी बना के नियम कर लूँगी। तो यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ और नाश्ता दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही है आज का नाश्ता। नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ पे लाल चाय बना लाई हूँ, दूध नहीं है तो लाल चाय ही पी लेंगे। और यहाँ पे मैं दोपहर का खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए साग है, तो इसे काट लूँगी, और नोनी का साग और भी साग था तो उसे मिक्स करके काट लूँगी। और यहाँ पे मैं कढ़ाई बिठा दी हूँ, और एक तरफ मैं बिठाई हूँ दाल, और जो तरोई था तो वो इतना छोटा सा था तो मैं एक तरोई को काट के दाल में ही डाल दी हूँ, खा के नियम कर लूँगी, हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साग, तो साग छोंक दे रही हूँ। तो चलिए, आप सब ब्लॉग में बने रहिए और मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दाल भी हो गया है और साग भी हो गया है, और मैंने चटनी भी पीस लिया है, धनिया का चटनी पीसा और पापड़ भूज लिया है। और यहाँ पे देखिए सारा रूम हम झाड़ू मार लूँगी, और बेड उल्टा पुलटा, सिवा का तबीयत ख़राब था तो सोया था तो सब खराब हो गया है, तो मैं सब ठीक कर दूँगी एक बार फिर से। उसके बाद खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सब ठीक कर दे रही हूँ, और हमारे यहाँ बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना बारिश हो रहा है, चारों तरफ पानी पानी लग गया, ऐसा लग रहा है बाढ़ आएगा अभी। तो ये आप सबको दिखा रही हूँ मैं, देखिए ये सब बनाना का पत्ता सब भीगा हुआ है, अभी भी बारिश हो रहा है, मतलब बारिश 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक रहा है, इतना बारिश हो रहा है। तो मौसम बहुत बहुत ही ठंडा हो गया है, अब वैसे भी ठंडा आने ही वाला है,
अब ये बारिश बंद होगा तो पूरा ठंडा आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, खाना मैंने बना लिया है और ये दिखा रही हूँ मैं मड़वा का रोटी, छोटा सा मैं बस घोल के और तवा पर डाल दी थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकाल दूँगी कटोरा में। तो यहाँ पे देखिए दाल चावल, और दाल में ही मैंने तरोई भी डाल दिया था, आप सबको बताया मैंने, तो सब निकाल के प्रणाम कर लेंगे और ये खाना खा लेंगे। और मैंने सबको फिर से रोटी में से तोड़ के सबको दे दिया है और ये खा लेते हैं। आ जाइए आप सब भी, तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा से मोड़िए। पीटी स्कूल से आ गई और पीटी ने लास्ट में तक खाना खाया, इसलिए पीटी ने उठाया चटाई, है ना पीटू? हाँ। जो लास्ट में उठते हैं वही उठाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इधर पीटी के पापा लेक्चर मार रहे हैं मोबाइल में। तो चलिए मिलेंगे नए और ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।